प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी उसी के तहत आज अपनी मांगों को लेकर जबलपुर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अधिकारी ने अपने अपर कलेक्टर मिशा सिंह को सौंपा ज्ञापन। वही जानकारी देते हुए तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की वेतन मान एवं पदोन्नति को लेकर सरकार को लगातार 10 वर्षों से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग प्रदेश भर में 3 दिन से काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम संवाद से सामूहिक स्तर पर प्रदेश भर के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चल जाएंगे, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपनी मांगों को लेके और काली पट्टी लगा के 2 दिन से काम कर रहे हैं विरोध शुरू, और आगे जो है हम लोगों ने तय किया है कि जो सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था वो पूर्ति नहीं कर रही, तो हम लोग दिनांक 20/3/22 से और 22/3/23 से 22/3/2023 तक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद आगे जो है अगर मांग तब भी नहीं मानी जाती तो आगे चल रहा है। अपना नाम राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार। प्रदेश के तत्वाधान हम लोगों ने अपर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में मुख्य 3 बातें हैं कि 2016 से हम लोग पदोन्नति के लिए तहसीलदार नायब तहसीलदार एएसएलआर प्रतीक्षित हैं, और हम लोग भी चाहते हैं जैसे अन्य विभागों में सरकार पदोन्नति कर रही है और मतलब उसी वे में हम लोग भी चाहते हैं। हम लोगों को कई बार सरकार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आश्वासन मिला, लेकिन हम लोगों पे राजस्व वालों पे जो तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं एसएलआर हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं, तो हम लोग बड़े दुखित हैं इस बात से लेके कि आखिर सरकार के हम भी एक कर्मठ अधिकारी कर्मचारी हैं तो हमारा भी उसी तर्ज पर प्रमोशन हो जैसे अन्य विभागों पर हो रहा है। वरिष्ठ पदभार देने के लिए बात चल रही है तो उस पर इसी को लेके ज्ञापन। और ना हमारे नायब तहसीलदार हैं अन्य स्टेट पे, उनकी सैलरी यहाँ मध्य प्रदेश में कम है, हम गजेटेड ऑफिसर जैसा ही काम करते हैं और काम लिया जाता है हमारे नायब तहसीलदार, उनको कोई गजेटेड ऑफिसर का दर्जा दिए जाने पर किसी वेतन पर विसंगति नहीं होनी है जबकि वो काम करते रहते हैं, तो ये भी मांग है हमारी कि हमें नायब तहसीलदार को हमारे गजेटेड ऑफिसर बनाया जाए, उससे जनता को ही सुविधा होती है क्योंकि कई ऐसे प्रमाण पत्र हैं, कई ऐसे कार्य हैं कि हमारा नायब तहसीलदार हमारा साथी करता है लेकिन गजेटेड ऑफिसर का जहाँ पे क्लास लगता है वहाँ पे नहीं कर पाता, तो उसको ये सुविधा अगर मिल जाती है तो आम जनता को भी लाभ पहुँचाएगा, तो इसी को लेके ज्ञापन सौंपे हैं। और हम आपके माध्यम से विरोध ये है कि हम लोग सोमवार से 3 दिन के लिए अभी काली पट्टी बांध कर और हम ये सरकार को अपना संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को हमारे छुट्टी में जाने के पहले या कोई और हमारे इस तरीके से कार्य का विरोध करने के पहले ही मांग पूरी हो जाए। यदि सरकार हमारी मांगें पूरी कर देती है तो हम यथावत काम में जाएंगे और करते रहेंगे और करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोमवार से 3 दिन के लिए हम लोग अभी सीधे में जाएंगे, उसके बाद फिर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जैसा भी निर्णय लेगी वैसा हम लोग। नाम पर मैं मुनव्वर खान, तहसीलदार रांची।